सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y100 5G फोन के बारे में, Y100A, Y56 5G फोन। इन तीनों डिवाइस के एंड्रॉइड 14 एंड फंटाचॉइस 14 लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। कब तक देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में आप लोग को डिटेल के साथ बताने वाला हूं, एंड किस मंथ में अपडेट आने वाला है इसके बारे में भी आप लोग को इस वीडियो में कंफर्म डेट पता चलने वाला है। फाइनली अब यहां पर और बात करने वाले हैं फंटाचॉइस के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में, क्या क्या चेंजेस एंड्रॉइड 14 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाला है इन तीनों डिवाइस में, उसके बारे में भी आप लोग को डिटेल में पता चलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी जाकर आप लोग को समझ में आने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखेगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, जैसे कि आपके पास Y100, Y100A, Y56 5G फोन, इन तीनों डिवाइस के बारे में जानना है कि एंड्रॉइड 14 एंड फंटाचॉइस 14 लेटेस्ट अपडेट कब तक देखने को मिलने वाला है, तो एंड तक बने रहिए तभी जाकर आप लोग को समझ में आ जाएगा, एंड एंड्रॉइड 14 अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस होने वाला है उसके बारे में भी आप लोग को इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो पहला नंबर हम बात करते हैं यहां पर कुछ डेट के बारे में आप लोग को दिखाऊंगा, जैसे कि कब तक एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर जो कि यहां पर जो फीचर्स है, क्या क्या चेंजेस होने वाला है। तो दोस्तों, पहले यहां पर चल के दिखाता हूं, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है और प्रूफ भी आप लोग देख सकते हो। तो जो कि यहां पर मिल जाता है फंटाचॉइस 14 बेस्ट ऑन एंड्रॉइड बीटा वर्जन रोल आउट टाइम। तो दोस्तों, यहां पर रोल आउट टाइम दिया गया है इसके अंदर, सभी फोन के डिवाइस का नाम है यहां पर है। तो पहला नंबर आप लोग को चल के दिखाता हूं, यहां पर मैं जूम करते हैं Y100A Y56 5G फ्रॉम द मिड ऑफ फरवरी 2024। फरवरी जो आ रहा है अभी, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, उसके बाद 2024 में फरवरी में आप लोग को इन दोनों डिवाइस में मिलने वाला है एंड्रॉइड 14 का अपडेट। ये कंफर्म डेट है जो कि यही है 56 Y56 एंड Y100A फोन। उसके बाद दोस्तों, Y100 की बात करता हूं, यहां पर मिल जाता है यहां पर फ्रॉम द मिड जनवरी 2024 Y100। तो Y100 को जनवरी के मंथ में मिलने वाला है एंड्रॉइड 14 का अपडेट, ये कंफर्म डेट है। यहां पर आप लोग को दोनों डिवाइस का नाम मैंने यहां पर दिखा दिया, बाकी डिवाइस के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना। एंड उसके बाद दोस्तों, यहां पर ये तो आप लोग को कंफर्म डेट यहां पर पता चल गया एंड कब तक देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड 14 एंड फंटाचॉइस 14 का लेटेस्ट अपडेट। लेकिन इसके कंट्रोल सेंटर आप लोग देखो, यहां पर जो चेंजेस होने वाला है कंट्रोल सेंटर, कुछ इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर होने वाला है जब हमारा एंड्रॉइड 14 अपडेट आएगा। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, यहां पर देख सकते हो, इस प्रकार का होगा एंड इसके अंदर आप लोग यूआई चेंज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो एंड इस प्रकार का आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम यहां पर आप लोग को कुछ मी यूआई की तरह लग रहा है, तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके का आप लोग को कंट्रोल सेंटर मिलने वाला है फंटाचॉइस 14 में। एंड कुछ फीचर्स और आप लोग को चल के दिखाता हूं। तो जैसे कि दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहां पर मिल जाता है फंटाचॉइस 14 यहां पर लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर देखोगे तो यहां पर विंडो क्रिएट, जो कि फ्रॉडिंग विंडो एक आता है एंड अभी भी आप लोग यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड 13 एंड्रॉइड 12 में भी देखने को मिलता था, लेकिन एंड्रॉइड 14 के अंदर अच्छे तरीके से इंक्रीज किया जाएगा। एंड ये जो होता है कि अगर आप लोग कोई भी एप्स को यूज कर रहे हो तो उसे विंडोज में क्रिएट कर सकते हो, व्हाट्सएप एंड एल्बम एंड इंस्टाग्राम सभी एप्स को, व्हाट्सएप को यहां पर आप लोग एक विंडो में क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको लॉक स्क्रीन पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो लॉक स्क्रीन का एंड टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग को ये चेंजेस मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यूआई कलर एंड म्यूजिक वगैरह भी, विजिट वगैरह जो भी है उसका भी चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको मिल जाता है यहां पर मोर द कलर लॉक स्क्रीन के बारे में बताया गया है। यहां पर लॉक स्क्रीन के टैग जो होते हैं, लॉक स्क्रीन पर जो आपका टाइम वगैरह दिखाता है उसका भी कलर को चेंज कर सकते हो, विजिट को चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया अपडेट आने वाला है एंड्रॉइड 14 में, तो देखने को मिलेगा आपके डिवाइस के अंदर ये सब फीचर्स। अब दोस्तों, इसके अंदर आपको कलर की बात करता हूं, यूआई कलर के अंदर भी बेटर तरीके से चेंजेस मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 13 में जो मिलता था उससे बेटर तरीके से चेंजेस मिलेगा। यहां पर आपको देख सकते हो, यहां पर चेंज इस तरीके से क्लिक करते हैं तो हमारा चेंजेस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में चेंजेस मिलेगा एंड म्यूजिक में भी आप लोग को चेंजेस मिलेगा, सब कुछ इसके अंदर बेटर तरीके से मिलने वाला है यूआई कलर के अंदर। उसके बाद दोस्तों, यहां पर डिस, यहां पर लास्ट यहां पर मिल जाता है प्रो वीडियोस वगैरह। जैसे कि दोस्तों, अगर आप लोग प्रो वीडियोस वगैरह शूट करते हो तो उसके अंदर फिल्टर्स वगैरह बेटर तरीके से ऐड किए जाएंगे, यहां पर आप लोग देख सकते हो एंड यहां पर आप लोग मिल जाता है फिल्टर्स वगैरह, वीडियोस कॉलिंग वगैरह करते हो तो फिल्टर बेटर तरीके से मिलने वाला। तो फाइनली आप लोग इसे भी यूज कर पाओगे एंड्रॉइड 14 के अंदर।
अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आप लोग को एल्बम एप्लीकेशन के अंदर आप लोग कोई भी वीडियोस को एडिटिंग करते हो या वीडियोस को या फोटोज को, तो उसको आप लोग 4K तक 60 Mbps के स्पीड में इसे सेव करके रख सकते हो अपने फोन के अंदर। ये बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है एंड्रॉयड 14 के अंदर, तो आपको वेट करना है, जल्दी आपको मिलने वाला है। और दोस्तों इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं है, वीडियो कॉलिंग वगैरह करते समय भी आपको चैट वगैरह मिलता है, चैट वगैरह भी आप लोग कर सकते हो, एक विंडोज भी क्रिएट कर सकते हो, ये भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है एंड्रॉइड 14 के अंदर। यहां पर आपको दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हो वीडियो कॉलिंग करते समय यहां पर एक विंडोज क्रिएट हो जाता है, इस तरीके का आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको विंडोज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, तो अच्छी तरीके से अपडेट आने वाला है। और अगर आपके पास तीनों डिवाइस है तो तीनों डिवाइस में मैंने अलग अलग कंफर्म डेट यहां पर बताया है, जो कि 1 फरवरी में मिलेगा दोनों डिवाइस में, Y100A में एंड Y56 में, उसके बाद Y100 में आपको मिल जाएगा जनवरी के मंथ में अपडेट। तो दोस्तों इन तीनों डिवाइस के बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया कब तक मिलने वाला है एंड्रॉइड 14 का अपडेट, आप लोग को जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। एंड इसके फीचर्स के बारे में भी आप लोग को डिटेल के साथ मैंने बताया है, तो फाइनली आप लोग को फीचर्स भी पता चल गया होगा कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाला। एंड छोटा छोटा जो चेंजेस है अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या और भी चेंजेस होने वाला है, तब मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगा। तो फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन दबाकर इंप्रेस लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।